हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिटिंग एंड ब्लॉग में। सो गाइस, अभी अपन आए हुए हैं पटना में जस्ट घूमने के लिए। जो नया न्यू साल का ईयर है, और सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। और पीछे देख सकते हो भाई साहब, लाइन बहुत ज़्यादा लगा हुआ। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कि महावीर मंदिर यहाँ पर है, उसके लिए कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में लंबा लाइन लगा हुआ है, एकदम लंबा लाइन। आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर अंदर एक महावीर मंदिर, आपको पता होगा, जो लोग पटना के हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर एक महावीर मंदिर है। और लाइन आपको दिखा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है भाई सब, फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। क्या रुपया वो 80? तो मेरे पास चेंज नहीं है, 200 रुपये चेंज नहीं है। नहीं रे, चेंज नहीं है। सो गाइस, अभी जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, इतना बड़ा बिल्डिंग है, कैंसर हॉस्पिटल संस्था है जहाँ पर हमारा एक दोस्त एडमिट है, तो उनको देखने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पर आए थे। एंड गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:30 टाइम हो रहा है, और यहाँ से मौसम भी थोड़ा सा साफ नहीं है, धूप थोड़ा सा भी नहीं है, ठंड का भी मौसम है। तो और मास्क लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं। एंड गाइस, अभी आप कौन आए हुए हैं होटल खोजने यार, पर यहाँ पर ये मार्केट है, या पटना का मार्केट है, मुझे नहीं पता है कि कहाँ है, लेकिन फुलवाड़ी शरीफ में अभी हम लोग आए हुए हैं। तो ये मार्केट है और काफ़ी अच्छा व्यू भी है, तो खूब इंजॉय कर रहे हैं आप लोग। तो अभी अपन कहाँ गए रे, कहाँ आए? होटल में। ये दोनों अपन हाथ में, ये दोनों खाना खड़ा होकर खाएगा, हम दोनों यहाँ पर बैठे। एंड गाइस, प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से काफ़ी कि फिर से हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ से, और सोचते हैं कि जब जैसे 1 बजे बोला है तो 2 बजे वहाँ से निकल जाएंगे, 2 बजे, और देखते हैं कि पटना में कहाँ कहाँ घूमने वाला, अगर जगह होगा तो थोड़ा सा घूमेंगे घूमेंगे। और रात का जो ट्रेन है, ट्रेन से ही आए थे हम लोग, तो उसी ने आपको नहीं दिखाया, सॉरी, रात की जो ट्रेन है उसी से हम लोग जाने वाले। तो मेरा तो 2 लिट्टी से पेट भर गया, लेकिन पता नहीं लोगों को कितना दिन का भूखल है, जूतु को खा लिया फिर फिर लिया, बाद में फिर लेगा। सो गाइस, खाना तो हो चुका है, लेकिन एक पोपट हो गया हमारे साथ, कि अभी वो पता चला है कि जब पटना का टोटल जितना भी घूमने का जगह होता है, जैसे कि मॉल हो गया, गांधी मैदान है, जितना भी जू और जितना भी है, सारा का सारा बंद हुआ है, आज से लेकर 2-3 दिन बंद है। तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, तो देखते हैं जैसे होगा घूमेंगे, मन हुआ तो घूमेंगे, लेकिन कब कहाँ घूमेंगे ये सोच में पड़ रहे हैं। तो पहले तो हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, निकलते उसके बाद। सो गाइस, अभी हम लोग हॉस्पिटल से तो निकल गए हैं, लेकिन घूमने का कोई भी जगह हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारा का सारा बंद है, जितना भी घूमने का जगह सारा का सारा बंद है। तो पीछे देखो कैमरा ही ना दिया हुआ, तो कुछ कुछ फोटो क्लिक कर रहे हैं रास्ता में, जो जो अच्छा पोज दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बैकग्राउंड अच्छा है वहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं, और लेट्स सी देखते हैं कौन अच्छा अच्छा फोटो आता है। तो गाइज, अभी शाम के बज रहा है 4, और हम लोग सोच रहे हैं क्या, अब यहाँ से डायरेक्ट पटना जंक्शन जाएंगे, वहाँ से तो अपना पटोरी जाना ही है। तो पटना जंक्शन के लिए अभी ट्रेन है जस्ट 1.5 घंटा बाद, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जाते जाते ना जो भी रास्ता में फ़ोटो आ रहा अच्छा होगा, वहाँ पर जो प्लेस अच्छा होगा, वहाँ बैकग्राउंड में जो मिलेगा उसे फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। और बाकी घूमने का तो जगह नहीं रहा, और मौसम भी बहुत ठंडा वाला है, तो क्या करें, अब जो होना था तो हो ही गया। इस बार नया साल भी इतना अच्छा से नहीं गया, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया भाई। तो फटाफट चलते हैं जंक्शन पर चलेंगे, तो बीच में दिखाते हैं कुछ और। सो गाइस, अभी हमारे साथ एक पोपट हो गया, पोपट ये हुआ कि अभी हम लोग जहाँ से निकले थे हॉस्पिटल से, तो वहाँ से एक टेम्पल धरे, बोले कि जे हम लोग को पाटलिपुत्र स्टेशन छोड़ दो, और हम लोग जस्ट पटना उतना घूमने नहीं आते, तो हम लोग जस्ट बैठ गए उस पर। और उसके बाद हुआ क्या, वो हम लोग का पोपट बना दिया पूरा, हमको एक अलग जगह छोड़ दिया, और पैसा हमसे ले लिया, पैसा वैसा सब चीज़ दे दिया। उसके बाद वो
जब मैप पर देखते थे कहते अरे जहाँ से हमको जहाँ जाना था वहीं पर उससे दूर लगा, फिर हम पैदल वहाँ पर जा रहे हैं अभी। और दो दोस्त हमारे आगे थे फटाफट चल। सो गाइस ये नज़ारा हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब चारों तरफ राउंड है और उस साइड जो देख रहे हैं ना उस साइड झील भी है और कतई जार लगता है यहाँ पर, मतलब कि एक नया एक्सपीरियंस घूमने में जो मज़ा आता है ना। और हम लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि टेम्पो से जाएंगे, हम लोग को घूमना है। अगर नया साल बार बार नहीं आता और हम लोग बार बार पटना घूमने के लिए नहीं आते तो आप घूमने के लिए आएंगे तो भाई टेम्पो में जाएंगे तो हमको लास्ट लोकेशन पर पहुँचा देगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमको जब पहुँचा देगा तो हम घूमेंगे क्या, तो हम लोग पैदल ही अभी लोग जा रहे हैं। देखो एक दोस्त इधर है, एक दोस्त इधर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये देख ये अपना अकेले ही जा रहा है, ये सबसे आगे चलता है, हम लोग पीछे पीछे चलते हैं, इसका पीछे पीछे भाई सबसे आगे। और होटल होटल यहाँ पर बहुत सारा होटल भाई साहब, यही तो देखने में मजा। अभी हमारे साथ क्या पोपट होगा तुम्हें बताओ तो। साले एक टेम्पल वाले ना चुतिया बना के पूरा राउंड घुमा के और बीच रास्ता पर छोड़ दिया। अब पैसा क्या रुपया लिया था? 100 रुपया। मतलब कि 100 रुपया ले लिया, उसके बाद हम लोग को अलग छोड़ दिया और उसके बाद बोलता है कि जो भाई साहब यहाँ से आप एक टेम्पो ले लीजिए वहाँ से चल जाएगा। हम लोग को पता भी नहीं था, बाद में जस्ट हम लोग लोकेशन देखे नहीं, वहाँ पर एक टेम्पल वाले से पूछे कि यार हमको पटना जंक्शन जाना है, मतलब पाटलिपुत्र जाना है, तो बोले कि भाई आप तो उधर से चल जाते तो आप यहाँ क्यों आए। तो हम लोग का पूरा पोपट हो चुका है, तभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। हम बोल रहे कि नहीं टेम्पल पर नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे, 8 किलोमीटर जाना है भाई साहब, पैदल ही जा रहे थे। चलो फटाफट, आई हैव नो एनी आइडिया कि भाई साहब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप यही रास्ता बोल रहा है, 1 2 2 वहाँ पर, ठीक ना। और शाम का भी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो मतलब 4:30 बज रहा है, 4:30 बज गया। क्या हुआ? मतलब फुल एंजॉय करते हम लोग जाने, मतलब उछाल कूद करते हुए। रे जल्दी आओ ना रे गांडू लोग, सॉरी महागांडू लोग। यहाँ पर 3 मूर्ति, ये लोग जवान नहीं है क्योंकि ये लोग पैदल अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, मर लू इस तो नोट जवान। और दिखाओ तुम लोग युवा है, भारत का युवा व्यक्ति हमारे जगदीश भाई। नहीं ऐसे नहीं मजाक नहीं, ऐसे मजाक नहीं, लोग बनेगा भाई सब डलाएगा, मजाक नहीं भाई, लेकिन मजाक करना भी चाहिए लिमिट के साथ भाई। इसका पढ़ना किस भाई फोटो, इसको फोटो ही सूझ रहा है, ठीक ना, डीएसएलआर रखा है यहाँ, टाइम नहीं है, इसको फोटो सूझ रहा है, फोटो नो फोटो, जो हो गया 10-12 को फोटो हो गया बहुत हो गया। आई थिंक हम लोग मेन रोड पर आ ही चुके हैं। तो गाइस अभी 3 किलोमीटर हम लोग चल गए हैं और भी अभी भी मतलब कि 5 किलोमीटर बचा हुआ है, तो हमको जाना है उस पुल पर, पुल पर फटाफट चल, सबका फट गया है, गन फट गया, सबका गन फट गया। रोशन इतना दूर चले फट भी रहा है, एक मिनट नहीं फट रहा है, बताओ ये अपना बीच है लेकिन सबका फट रहा है। सुराज काफी ज्यादा टोटो पर बैठ गए और फिर भी पूरा जंक्शन पर ये नहीं छोड़ेंगे, उससे पहले ही छोड़ देंगे तो फिर भी पैदल चलना ही, ठीक है। सो गाइस फाइनली अपन स्टेशन पर पहुंच गए, देख लो पाटलिपुत्र जंक्शन, और काफ़ी दूर मतलब कि हम लोग इस रास्ते से आए थे, मतलब लास्ट में दिख रहा है तो हम लोग एकदम शॉर्टकट पूरा शॉर्टकट मारते हुए तब लोग मतलब पूरा पैर दर्द कर रहा है पूरा का पूरा। और यहाँ पर सोच रहे कि फोटो क्लिक करें क्योंकि दोनों साइड लाइट लगा हुआ है ना, काफ़ी अच्छा लगता है, देखो मेरा फेस देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा देर में निकलेंगे, पहले फोटो ज़्यादा क्लिक करते, देखते कैसा आता है फोटो, अच्छा तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो गाइस तो अभी अपन पेट्रोल पहुंच गए हैं, जैसे भी ब्लॉग को टोटल में क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा है और दिखते थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और दे दिए हैं, और मतलब जर्नी बहुत अच्छा रहा और मज़ा भी बहुत आया, थकान भी बहुत आया, और नए एक्सपीरियंस के साथ करके अंजाम लोगों पर कैसे लोग थकते हैं, जैसे कि टेम्पल वाला हम लोग को थक लिया और दौड़े उड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा थक तो बहुत ज़्यादा, नींद भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड गाइस अभी मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो भाई साहब आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चलोगे सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ कल फिर, आज से हमारा रेगुलर ब्लॉग चलेगा, रेगुलर हर रोज ब्लॉग आएगा आपके लिए, तो देखते रहना, इसे प्यार बढ़ते रहना, और वीडियो पसंद आए तो फिर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, तब चलते हैं, ठीक है। सब शुरू हो जा, फटाफट मर ले, चिकन रोटी फटाफट मरने दो, राकस की तरह खा रहा है सर।